एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये तो आपने बहुत बार सुना ही होगा। मैं कुछ नया बताता हूँ आपको, अ फेशियल अ मंथ कैन कीप द स्किन डॉक्टर्स अवे। स्किन डॉक्टर के पास आपको पता है जाना क्यों पड़ता है? जब आपको कोई स्किन कंसर्न होता है। और स्किन कंसर्न क्यों होता है? जब हम स्किन को मेंटेन नहीं करते। हमारी स्किन बिना रेगुलर मेंटेनेंस मांगती है, बेसिकली कहा जाए एक अच्छा स्किन केयर मांगती है। आपको वंस इन अ वाइल फेशियल करवाना ही चाहिए। और फेशियल जो होता है ना, वो कई फायदे देता है आपकी स्किन को। आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट कर देता है और एक शाइन ऐड करता है आपके फेस पे। जो एजिंग का प्रोसेस होता है ना, जो आजकल इतना जल्दी आने लग गया है लोगों के फेस पे, वो भी इसलिए जल्दी आ जाता है बिकॉज आप स्किन को मेंटेन नहीं करते। एक फेशियल जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस बिल्कुल फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। पर दिक्कत ये आती है, सैलून जाए कौन और फेशियल कराए कौन? कोई दिक्कत नहीं, उसका सलूशन मैं लेकर आया हूं आज की वीडियो में। हम लेकर आए येट अनदर नेचुरल ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट रहने वाला है बिल्कुल ही नेचुरल और बहुत ही अमेजिंग। हम एक किचन का एक और इंग्रेडिएंट यूज करने वाले हैं जो रहेगा परफेक्ट आपकी स्किन के लिए। हम बात कर रहे हैं कर्ड या फिर कहें दही के बारे में, जिसके अंदर होता है बहुत सा गुड बैक्टीरिया एंड लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन में एक्सफोलिएट करता है और डेड स्किन वगैरह प्रॉपर्ली हटा देता है। एक जबरदस्त वाली शाइन ऐड करता है आपके फेस पे। सिर्फ यही नहीं, वो मेक श्योर करता है आपकी स्किन में कभी भी ड्राई ना है। जब ड्राइनेस होती है ना, तभी हमारे को रिंकल्स और फाइन लाइंस की समस्या आती है। तो दही मेक श्योर करती है दोनों चीजें दे आपको। हम दही का बेस रखने वाले हैं आज के 3 स्टेप फेशियल के लिए, जो आपको बस मजा ही आ जाएगा यूज कर। तो बिना किसी डिले के हमारी वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ आगे और आपको बताते हैं हाउ यू कैन गेट द स्किन ऑफ योर ड्रीम्स विद द अमेजिंग 3 स्टेप फेशियल। हमारे 3 स्टेप फेशियल की शुरुआत होने वाली है स्टेप नंबर 1 के साथ, जो कि है DIY कर्ड क्लेंजर। क्लेंजर आपको पता है आपकी स्किन के लिए जरूरी क्यों होता है? अगर आपके फेस के टॉप लेयर पे डर्ट और इम्प्योरिटीज ट्रैप्ड रहेंगे ना, तो आपके फेस पे कभी ग्लो नजर आ ही नहीं सकता। तो ये वाला क्लेंजर मेक श्योर करेगा सारी डर्ट हटा दे, इम्प्योरिटीज हटा दे, जो पॉल्यूशन के ट्रेसेस आपके फेस पे ट्रैप्ड है वो प्रॉपरली हटा दे। इसके साथ साथ जो आगे के स्टेप्स हैं ना, जो 2 स्टेप हम फॉलो अप करने वाले हैं, उनका रिजल्ट भी आपको ज्यादा मिलने वाला है। आप एक बार को इमेजिन कर देखो, एक जगह पे डर्ट लगी हुई है और ऊपर आप अच्छा अच्छा काम करते जा रहे हो, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाते जा रहे हो, तो उसकी गुडनेस आखिर मिलेगी ही कहां पे? तो इसीलिए भी एक अच्छा क्लेंजर जरूरी होता है। अब सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। आपको टोटल 2 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो चाहिए आपको कर्ड, जो कि हमारा आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट्स। उसके फायदे मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। सेकंड हमारे को चाहिए हनी, जो आपकी स्किन टोन को कर देता है इवन, जबरदस्त वाला मॉइस्चर देता है और एक सूदिंग सा इफेक्ट देता है। मेक श्योर करता है आपके फेस पे हाइड्रेशन भी बना रहे, ग्लो भी बना रहे। आपको रेमेडी के लिए सबसे पहले तो चाहिए 1 ग्लास बोल। उसमें आपने डालना है 2 चम्मच दही और 1 चम्मच हनी। प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर सकते हो। आप चाहो तो इस सेम क्लेंजर अपनी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, बस आपने क्वांटिटी बढ़ा लेनी है। 2:1 की रेशियो रहेगी, 2 चम्मच आपकी रहेगी दही तो 1 चम्मच रहेगा हनी। जैसा आप मिक्स करोगे एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब आपने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लेना है, 5 से 7 मिनट के लिए लीव ऑन करना है। देन आपने अपने फिंगर टिप्स को प्रॉपरली वेट करना है और अच्छे से अपने फेस को मसाज करना स्टार्ट कर देना है। 5 से 7 मिनट के लिए मसाज करते रहो एंड देन आप इसको वाटर से रिंस कर सकते हो। जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी ना आपके फेस पे, वो प्रॉपरली निकल जाएगी और निकल कर आएगी क्लियर और ग्लोइंग स्किन, और आपका एक क्लियर फेस रेडी हो जाएगा फॉर द अमेजिंग फेशियल जो हम आपको आज करवाने वाले हैं। स्टेप नंबर 2, डीप क्लेंजिंग कर्ड स्क्रब। अब फेस की टॉप लेयर तो प्रॉपरली क्लेंज हो चुकी है, बट डीप पोर्स का क्या? हमारे पोर्स के अंदर भी बहुत सी गंदगी ट्रैप्ड होती है, जिसकी वजह से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं। तो हम जो स्क्रब रेडी कराएंगे वो मेक श्योर करेगा कि आपके पोर्स के अंदर से प्रॉपरली क्लेंजिंग हो, ताकि आपको कभी भी समस्या ना आए, ना आपके फेस पे डेड स्किन सेल्स इकट्ठे हो, ना ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स इकट्ठे हो। मात्र 2 इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक तो हमारे को चाहिए कर्ड, जो हमारा आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट है। सेकंड हमारे को चाहिए कॉफी पाउडर, जो आराम से आपको आपके घर के कंफर्ट जोन पे मिल जाएगा। जो कॉफी पाउडर होता है ना, वो कोलेजन बूस्ट करता है, रिंकल्स और फाइन लाइंस को फेड करता है। साथ में जो हमारी आंखों के नीचे पफिनेस हो जाती है ना, या हमारे फेस पे पफिनेस हो जाती है, जिससे फेस थोड़ा स्वेल्ड लगता है, वो भी प्रॉपर्ली हटा देता है। बेसिकली कहा जाए आपके फेस पे यूथफुल वाला ग्लो मेंटेन कर रखता है। सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले तो चाहिए आपको 1 ग्लास बोल। उसमें आपने डालना है 2 चम्मच दही और साथ में ऐड करना है 1 चम्मच कॉफी पाउडर, और अच्छे से उनको मिक्स कर एक स्मूथ सा स्क्रब रेडी कर लो। बारी आती है यूजेज की। आपने अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर लेना है, इस स्क्रब की क्वांटिटी लेनी है और प्रॉपरली अपने फेस पे मसाज करना स्टार्ट कर देना है। आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है अपने फोरहेड पे, अपने नोज पे, या जहां जहां आपके फेस पे टैनिंग ज्यादा है या कहीं गंदगी ज्यादा है। अच्छे से बस सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहो फॉर 5 to 7 मिनट्स। आपने 5 मिनट के लिए इसको और लीव ऑन किया, देन आपने अपनी फिंगर टिप्स को वेट करके
करके मसाज करके पूरा वॉश ऑफ कर देना है। आपके फेस को ऐसे क्लेंस करेगा लाइक नेवर बिफोर, आपके फेस पे ग्लो ऐड करेगा लाइक नेवर बिफोर। आप बोलोगे मेरा तो फेशियल हो गया कंप्लीट यहीं पर ऐसा नहीं है। आपके फेस को जबरदस्त वाला ग्लो तो मिल गया, बट उसको प्रिजर्व करने के लिए हमारे को एक मास्क की जरूरत है, जो रहने वाला है हमारे स्टेप नंबर 3 में। एंड फाइनली स्टेप नंबर 3, सुपर ग्लो फेशियल मास्क। अब ये वाला मास्क मेक श्योर करेगा जो ग्लो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है, जिसने आपका मूड एकदम बढ़िया कर दिया, उसको सील कर रखे। सिर्फ यही नहीं, जब आप स्क्रबिंग करते हो ना, आपके पोर्स क्लीन होने के साथ साथ ओपन अप भी हो जाते हैं, तो ये मेक श्योर करेगा आपके पोर्स को टाइटन अप भी करे। हमारे आज के मास्क के लिए कुल मिला के 3 इंग्रेडिएंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। पहले इंग्रेडिएंट्स जानते हैं, थोड़ी उनकी खूबियां जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे मेकिंग की तरफ। इंग्रेडिएंट नंबर 1, बेसन या फिर कहें ग्राम फ्लोर। ये एक ट्रेडिशनल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है जो लोग बहुत पसंद करते हैं। ये फेस पे जबरदस्त वाला ग्लो ऐड करता है, साथ में ऑयल कंट्रोल करने का काम करता है, मेक श्योर करता है आपके फेस पे जितनी भी डलनेस है वो हो जाए प्रॉपरली रिमूव। इंग्रेडिएंट नंबर 2, टर्मरिक ऑल्सो नोन एज हल्दी। इसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं जब बात आती है ब्यूटी पर्पसेस की। अगर आपके फेस पे टैनिंग होती है, डलनेस होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, या कोई भी इम्परफेक्शन होती है जो कोई भी ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर पाता, हल्दी अकेले दम रखती है उसको प्रॉपरली रिपेयर करने की। एंड फाइनली इंग्रेडिएंट नंबर 3, कर्ड, जो कि है आज का हमारा सुपर हीरो इंग्रेडिएंट। अब ये 3 इंग्रेडिएंट हमारी स्किन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैजिक करने वाले हैं। कैसे तैयार करनी है रेमेडी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ले लो एक ग्लास बोल, उसमें आपने डालना है 2 चम्मच दही, 1 चम्मच बेसन और 0.5 चम्मच टर्मरिक। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी हो तो और भी बढ़िया, बट नहीं भी है ना तो परेशान नहीं होना, घर वाली हल्दी भी बढ़िया ढंग से चल जाएगी। इनको प्रॉपरली मिक्स कर एक स्मूथ सा लम फ्री पेस्ट बना लो। आपने इसको पूरे अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, 20 से 25 मिनट के लिए लीव ऑन करना है। जैसे सूखना शुरू हो जाए आपने अपने हाथों को वेट करके मसाज करके वॉश ऑफ कर देना है। अलग ही लेवल का ग्लो अनलॉक करने वाला है आपके फेस पे। और सिर्फ यही नहीं, ये मेक श्योर करेगा जो आपकी सालों की टैनिंग है जो हट नहीं पाती, पहले यूज में हटाने का काम करे। साथ में डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस और वो यूथफुल वाला ग्लो आपके फेस पे प्रॉपरली बरकरार रखे। दिस इज इट, सोचना करो बंद और ट्राई करो हमारा आज का फेशियल। आपको पता है क्या, ग्लोइंग स्किन अचीव करना कोई मुश्किल नहीं, इट्स मैटर ऑफ हाउ बैडली यू वॉन्ट दैट ग्लोइंग स्किन। 30 मिनट अगर हफ्ते में नहीं दे सकते अपनी स्किन केयर के लिए तो मैं क्या बोलूं। 30 मिनट्स इज नथिंग, आपकी हफ्ते में एक छुट्टी होती है, तो शुरुआत करो इस फेशियल के साथ और आपका फेस ग्लो करता रहेगा पूरा हफ्ता। वीडियो पसंद आई हो तो अभी के अभी नीचे जाके कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बाकी ये वीडियो आपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो कहते हैं यार फेशियल मैं इसलिए नहीं करवाता या करवाती बिकॉज मैं इतना वक्त नहीं दे पाता। बोलो बस 30 मिनट चाहिए और कोई खर्चा भी नहीं होने वाला, बाकी स्किन मिलेगी बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।